ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं करने लगी भी बर्तन मांजूंगी। डस्टिंग मैंने कर दी है और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले, फिर मैं मांजूंगी बर्तन। मशीन मैंने लगा दी है। अब एक दिन नहीं धोती ना कपड़े तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए गाइस। ये देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू। डस्टिंग मेरी हो चुकी है। वही एक हाउसवाइफ की क्या रूटीन होती है, वही रूटीन है। देखिए पहले तो डस्टिंग से शुरुआत करते हैं, फिर हम करते हैं झाड़ू लगाना शुरू। झाड़ू मेरा देखिए लग रहा है, मैं किचन में लगाने लग रही हूँ झाड़ू। देखिए झाड़ू लगाने के बाद देखो मैं क्या करूँगी, बर्तन मांजूंगी, किचन को करूँगी। आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाने के लिए। देखिए गाइस साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने साथ में मशीन भी लगा दी थी। एक फ़ायदा ये भी होता है ना, काम सारे हो जाते हैं, उधर से कपड़े भी धुलते जाते हैं और साथ के साथ काम भी होता जाता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में डिस्क निरन वो नहीं था, मांजने वाला जो होता है सोप, वो मैं डाल रही हूँ। अब देखिए मैं बर्तन मांज रही हूँ। ये मेरे बर्तन मांज रहे हैं। बर्तन कोई ज़्यादा नहीं है, जल्दी से ही हो जाएंगे मेरे बर्तन। बर्तन मंज गए हैं मेरे। देखिए अब मैं कर दूंगी इस गैस चूल्हे को साफ। गैस चूल्हे को सुबह एक बार ही तो सर्फ से अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ मैं। देखिए ये मेरा किचन चकाचक हो गया, एकदम साफ़ हो गया। अपने आप को भी अच्छा लगता है साफ़ किचन। गाइस ये मैं गोभी काट रही हूँ लंच के लिए। मैंने कहा कपड़े भी धुल रहे हैं तो मैं लंच के लिए गोभी साथ के साथ काट देती हूँ। आजकल की सब्जी ना घुल जाती है गोभी। मैं किसी के हाथ की गोभी कटी हुई पसंद नहीं है, मुझे अपने हाथ की पसंद है। कई लोगों को घुटवा गोभी पसंद होती है पर मुझे नहीं। गाइस मेरी गोभी कट गई है। गाइस जब गोभी बनाओ तो डंठल भी साथ में काट दिया करो, उसका भी टेस्ट आता है। गोभी में डंठल डाल दो, लहसुन अदरक हींग और प्याज एंड टमाटर सब कुछ डाल के गोभी बनाओ, क्या फर्स्ट क्लास बनती है। और बाद में डाल दो हरा धनिया, लाजवाब बन जाती है गोभी। इन्होंने कर ली थी मम्मी के पापा ने, मेरी आज पूजा नहीं, मैं शाम को करूंगी। थोड़ा सारा सामान काट के रख लूंगी तो फटाफट बनाने में इजीली लगता है। गाइस ये काट रही हूँ मैं प्याज लहसुन छील रही हूँ और साथ में ही मैं अब किचन में जाके टमाटर काट दूँगी। अब मैंने ये जो बर्तन जूठे हुए थे सिंक में पड़े हुए थे वो मैंने मांस दिए। सॉरी गाइस बर्तन नहीं, मैं वो सब्जियाँ जो काटी थी ना वो धो रही थी। तेज़ पानी के नीचे एक एक गोभी के फूल को अच्छी तरह से धो रही थी, अपना पूरा वहम दूर कर रही थी। ये देखिए गाइस ये सारी सब्जियाँ मैंने जो काटी हैं वो धो रही हूँ।
और ये साथ में ही ये बर्तन भी धो के रख दिया जो था। देखिए गाइस कैसे मैं गोभी धो रही हूँ, ये देखिए गाइस, तेज़ पानी के नीचे, प्रेशर के नीचे वो मैंने गोभी धो दी। ये देखिए अब छन्नी में डाल दी है कि पानी निकल जाए। अब ये मैंने फटाफट आलू भी काट लिए। कपड़े जैसे धोते हैं ना, तो मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ। जैसे मैं कपड़े धोती हूँ वो उससे जल्दी भी धुल जाते हैं, पानी भी कम लगता है और टाइम की भी बचत होती है, जल्दी धुल जाते हैं। एक कपड़े धोने का नया तरीका है ये, जैसे हमने सर्फ से कपड़े धो लिए हैं ना, तो इन इन कपड़ों को आप सर्फ समेत ड्राई कर दो, इनको ड्राई कर दो, इनका सारा सर्फ निकल जाएगा। फिर मैं तो मशीन में ही पाइप लगा देती हूँ। देखिए इनको ड्राई करूंगी ना, सारा सर्फ निकल जाएगा इसका, और कपड़े भी फटाफट धो लेंगे, कपड़ों को आपको पता ही नहीं लगेगा। गाइस ये जो मैंने मशीन धोने वाली जो होती है ना मशीन, उसमें से मैंने कपड़े निकाल निकाल के धुल गए हैं कपड़े, और मैं सर्फ समेत मैं इनको ड्रायर में डाल रही हूँ, ड्रायर में डाल रही हूँ, फिर इसको ड्राई कर दूंगी। ड्रायर में कितने कपड़े आते हैं, डाल दो सारे कपड़े, ड्रायर हो जाएंगे। ये सर्फ से निकालने के बाद मैंने कपड़े डाल दिए ड्रायर में, और जितने आए उतने मैंने डाल दिए हैं, और अब ये मेरे कपड़े ड्राई हो जाएंगे। बाकी में मैंने दूसरा फिर लगा दिए। कपड़े ड्रायर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको साफ पानी में खंगाल दूंगी मशीन के अंदर ही पाइप लगा के। दोस्तों ये जो सर्फ से ड्रायर किए थे ना कपड़े, ड्रायर से धुलते हुए जो ये हुआ है, आप देखिए मैं साफ पानी में डाल रही हूँ, ये दो बार के पानी से धुल जाएंगे। देखिए मैं आलू काट रही हूँ, पहले आलू मैंने गोभी के साथ धो लिए थे ऊपर से छिलका उतार के, अब इनको मैं काट रही हूँ। देखिए थोड़े ना पतले काटे हैं ना मोटे काटे हैं, ये मेरे आलू कट रहे हैं, आलू गोभी बनेगी। ये कट गए, एक बारी फिर दोबारा मैंने धो दिया इनको। तो ये साफ पानी का भर के ना देखिए, ये मैंने अब ड्रेन कर रही हूँ, उसको पानी निकाल रही हूँ, एक बारी का पानी निकल जाएगा और फिर मैं दूसरी बारी फिर भर के ना इसको घुमा दूंगी, और फिर मैं ड्रायर कर दूंगी कपड़े। ये कपड़े मेरे हो गए हैं ड्रेन, ये देखिए अब एक बारी पानी और इसमें चला दूंगी और ये कर दूंगी वॉश पे, अब ये एक बारी फिर घूम जाएगा, फिर मैं इसमें वो कर दूंगी ड्रायर, धुल गए कपड़े। दोस्तों ये देखिए मैं गोभी को तल रही हूँ, पहले ये देखिए थोड़ी तल लूंगी, आधी पड़ी है अभी, थोड़ी थोड़ी करके तल रही हूँ, फिर तलूंगी आलू। गाइस देखिए ये मैं गोभी तल रही हूँ, तेल में गोभी तल रही हूँ, और थोड़ी तल के आलू भी तल के बाहर निकाल लूँगी और गोभी भी तल के निकाल लूँगी, बाद में मसाला करूँगी। साथ के साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ, साथ के साथ मैं गोभी भी कर रही हूँ, दोनों काम मेरे चल रहे हैं इधर उधर, कभी इधर हो रही हूँ कभी उधर हो रही हूँ। ये देखिए मेरी गोभी तल गई है, अब मैं गोभी तलने के बाद मैं अब डाल दूँगी आलू। ये देखिए अब मेरे कपड़े एक बारी का फिर धुल गए हैं, साथ में मैंने कपड़े भी सुखाने के लिए ये रैक ले आई हूँ कमरे में, अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि जब मशीन लगती है ना
तो कब फिर एक काम नहीं होता, उधर मशीन का काम भी होता है, उधर घर का काम भी होता है। गाइस गोभी में डालने के लिए टमाटर भी काट रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें टमाटर भी डालेंगे, लहसुन भी। गाइस देखिए सारे गोभी भी तल गई और आलू भी तल गए हैं। अब जो ये घी बचा है ना, अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और डाल दूंगी हींग। थोड़ा सा गर्म होने के बाद फिर मैं डाल दूंगी लहसुन। ये डाल दिया मैंने लहसुन भी साथ में, लहसुन थोड़ा कच्चा ना रहे इसलिए थोड़ा पकाने के लिए डाल दिया। साथ में डाल दूंगी प्याज और प्याज को थोड़ा फ्राई करूंगी। कोई ऐसा इतना ज़्यादा लाल नहीं करना प्याज को, हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा लाल पिंक, जिसे पिंक बोलते हैं। ये मैंने नमक मिर्च के मसाले के डिब्बे भी निकाल दिए हैं। लगेगा ऑयल अगर कम लगेगा तो इसमें से भी वैसे ही निकलेगा, ऑयल इसमें से भी निकलेगा, गोभी तल रखी है ना। और अगर इसमें से ऑयल कम लगेगा गोभी में तो थोड़ा डाल दूंगी, मेरे पास जला रखा है तेल, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी फ्राई हो जाएगी। इसमें अच्छा लाल नहीं करना होता इसको, प्याजों को जब सूखी सब्जी बनाते हैं। ये हरी मिर्चें डाल दी मैंने और हरी मिर्चों को थोड़ा सा हिलाने के बाद थोड़ा सा ये मैं डाल दूंगी टमाटर। दोस्तों ये टमाटर थोड़े वो हैं, मैंने कहा थोड़े मैश हो जाएंगे, ये डालूंगी पानी थोड़ा सा। अब डालूंगी मैं मसाले, ये थोड़ा सा टमाटरों को मैं मैश कर रही हूँ हल्का सा करछी वो करके। अब मैं डालूँगी नमक, ये नमक डाल दिया मैंने, डेढ़ चम्मच नमक डाल दिया मैंने, और धनिया पाउडर डाल दिया पौना चम्मच। अब ये डाल दिया है आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी, और दो चम्मच डाल दिए मैंने लाल मिर्ची के। गाइस अब मसाला थोड़ा पकने दूँगी। ये देखिए जब तक घी छोड़ेगा मसाला, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है मसाले का, ये देखिए। अब थोड़ा भूनूंगी इसे, मैं भून रही हूँ, देखिए। अब मैं ये जो गोभी तली है ना मैंने घी में, अब वो मैं इसमें डाल दूंगी मसाले में और हल्के के सारी मिक्स करूंगी। गोभी को थोड़ा मिक्स करने के बाद मैंने साथ में हरा धनिया भी घेर दिया। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, अल्टा पल्टी करूँगी और थोड़ी देर के बाद सिम करके ना मैं इसको अल्टा पल्टी करने के बाद ढक दूँगी। देखिए वो गाइस मेरी मैंने ढक दिया। गाइस आज की ये लंच की थाली है मेरी, आज आलू गोभी बनाई है हलवाई स्टाइल, देखिए। और ये रात का दही था, खीरे वाला रहता पड़ा हुआ था थोड़ा, और ये दो पराठे हैं। काम तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होता, अब लंच का टाइम भी निकालना है, ब्रेकफास्ट का भी निकालना होता है। देखिए 2:30 बज गए हैं, खाके बताती हूँ मैं आप। गाइस आलू गोभी बड़ी टेस्टी बनी थी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे शादियों में होती है। Yeah.
ये आ गए हम अपने हनुमान मंदिर। गाइस मंदिर में तो कोई वीडियो नहीं बना पाए, ना ही बनाई हमने, और हमने अच्छे दर्शन हो गए थे अंदर, और हम अब घर जा रहे हैं। ये आ गई मेट्रो। गाइस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।